वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज की रेसिपी है पोटैटो कटलेट। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 5 से 6 उबले हुए आलू। इसको अच्छी तरह मैंने मसल लिया है। अब इसमें एक प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। 1 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालेंगे। अभी इसमें 2 से 3 चम्मच ही डाला है मैंने। ज़रूरत पड़ने पर इसमें 2 से 3 चम्मच और डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको बहुत ही अच्छी तरह टाइट हाथों से आटा तैयार कर लें। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप उसकी जगह 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे आप अपने मनचाहे आकार में इसे बना लें। देखिए इस तरीके से मैंने इसे गोलाकार में बना लिया है। अब एक पैन में तेल गरम करें। सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डालकर इस तरीके से चेक करें। अगर ये फैलता है आलू तो इसका मतलब है इसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालना पड़ेगा। अभी ये नहीं फैल रहा है तो मिक्सचर जो है अच्छी तरह तैयार है। अब बाकी के कटलेट्स फ्राई कर लेते हैं। एक साथ इसमें बहुत ज़्यादा ना डालें। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। देखिए कटलेट्स जो हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसे पेपर नैपकिन पर निकाल लें। कटलेट्स जो है ब्रेड के साथ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो इसे आप ब्रेड के साथ सर्व करें और अपने मनपसंद चटनी के साथ ज़रूर सर्व करें। इसे आप इमली की चटनी, धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी, जो भी चटनी आप पसंद करते हैं उसके साथ इसे सर्व करें। इन सारी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।